जय हिंद। कल हम लोगों ने भूगोल विषय के एक नए चैप्टर को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने जाना था खनिज और खनिज के वर्गीकरण के बारे में चर्चा किया था। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख खनिजों के बारे में, उसके अयस्कों के बारे में, उसके वितरण के बारे में चर्चा करें। इस क्रम में हम लोग आज लोहा और लोहा के अयस्क तथा मैंगनीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं लौह अयस्क के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे लौह अयस्क। लौह अयस्क का मतलब होता है लोहा का अयस्क। लोहा जो एक धात्विक खनिज है, लोहा एक धात्विक खनिज है, लोहा एक आधारभूत खनिज है, लोहा वर्तमान सभ्यता की धुरी है, क्योंकि आज छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जितने भी यंत्र हैं या यंत्र के उपकरण हैं, वे सारे यंत्र और यंत्र के उपकरणों का निर्माण लोहा से ही किया जाता है। वैसे बहुत सारी धातुएं हैं, सभी धातु का अपना अपना महत्व है, इंपोर्टेंस है, लेकिन मानव सभ्यता में, मानव के जीवन में जितना महत्वपूर्ण स्थान लोहा का है, शायद ही उतना महत्व किसी अन्य धातु का है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो बिना लोहा के संभव हो सके। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव की निर्भरता लोहा पर है। लोहा का मानव जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आज लोहा के विकास ने, लोहा की खोज ने, लोहा के आविष्कार ने मानव को मरियाना गर्त से अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। तो लोहा के महत्व के कारण ही आज के युग को हम लौह युग के नाम से जानते हैं। लोहा के महत्व का एक और कारण है कि लोहा एक ऐसा खनिज है जो विश्व के सभी देशों में थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। कुछ ऐसे भी खनिज जो शायद नहीं मिलते हैं, लेकिन लोहा के लोकप्रिय होने के पीछे वजह यह है कि यह विश्व के सभी देशों में अल्प या व्यापक मात्रा में उपलब्ध है। लोहा के महत्व के एक और कारण है कि लोहा अन्य धातुओं के तुलना में सस्ती है, टिकाऊ है और बहुमुखी उपयोग वाली है। मतलब इसका हम उपयोग बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि लोहा क्या है, तो आप लिखेंगे कि लोहा एक धात्विक खनिज है, लोहा एक आधारभूत खनिज है, लोहा वर्तमान सभ्यता की धुरी है। आज दुनिया में जितने छोटे बड़े मशीन हैं, मशीन के सारे उपकरण लोहा से ही बनाए जा रहे हैं। मतलब लोहा का मानव के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लोहा के महत्व के कारण ही आज के इस युग को हम लौह युग के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको बता दें, लोहा प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। लोहा प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि लोहा प्रकृति में अयस्क के रूप में मिलते हैं। लोहा प्रकृति में अयस्क के रूप में मिलते हैं। अयस्क से गैंग को, मतलब अशुद्धि को निकालकर विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा तब शुद्ध लोहा की हमें प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि लोहा के अयस्क कौन कौन हैं। तो सामान्यतः लोहा के अयस्क को चार वर्गों में बांटा गया है।
लोहा के जो अयस्क है, तो लोहा के अयस्क के चार वर्ग हैं। पहला है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, दूमे, हेमे टाइट, नंबर तीन लीमो नाइट, चार शीडे राइट। तो लोहा के कितने अयस्क हैं, लोहा के कितने प्रकार हैं, लोहा पहले ही हमने कहा लोहा प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, अयस्क के रूप में मिलता है। अयस्क का सांद्रण करके साफ करके शुद्ध लोहा की प्राप्ति होती है। तो आइए लोहा के अयस्क कितने प्रकार है, चार प्रकार है। सबसे पहले आते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो लोहा है सर्वोत्तम किस्म का लोहा का सबसे उत्तम जो खनिज है वह मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट में लोहा का अंश 72% होता है। इसका रंग काला अवलिक गहरा भूरा होता है। इसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, इसलिए मैग्नेटाइट, इस लोहा को हम मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। और मैग्नेटाइट जो लोहा का अयस्क है वह धारवार और कुडप्पा क्रम के चट्टानों में मिलता है। इसकी प्राप्ति कहां होती है, तो धारवार एंड कुडप्पा क्रम की जो चट्टाने हैं, धारवार और कुडप्पा क्रम की चट्टानों में हमें मैग्नेटाइट लोहा के अयस्क मिलते हैं। तो हमने कहा कि लोहा के चार अयस्क हैं। नंबर एक है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट में लोहा का अंश 72% पाया जाता है। इसका रंग काला या गहरा भूरा होता है। इसमें चुंबकत्व का गुण होता है, इसलिए इसको मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। और मैग्नेटाइट जो लोहा का अयस्क है वह धारवार और कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आपको बता दें झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक, भारत में मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क झारखंड उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक, ये तीन राज्य में बड़े पैमाने पर मैग्नेटाइट लोहा के अयस्क पाए जाते हैं। लोहा का जो दूसरा अयस्क है हेमेटाइट जो लोहा है इसमें लोहा का अंश, हेमेटाइट अयस्क में लोहा जो होता है 7% से लेकर 70% तक इसमें लोहा का अंश पाया जाता है। 60% या 70% तक लोहा का अंश पाया जाता है। यह दूसरा सर्वोत्तम किस्म का लोहा है। इसका रंग देखने में क्या होता है, लाल होता है। मतलब हेमेटाइट जो लोहा के अयस्क है इसका रंग देखने में क्या होता है, लाल होता है। और चूंकि इसमें ऑक्सीजन, हेमेटाइट में क्या होता है, ऑक्सीजन का समावेश होता है, इसलिए हेमेटाइट को हम लोहे का ऑक्साइड, चूंकि हेमेटाइट जो लोहा का अयस्क है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसलिए हेमेटाइट को हम लोहे का ऑक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का समावेश होता है, ऑक्सीजन का अंश पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोहा के ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब इसकी प्राप्ति कहां कहां है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन राज्यों में हेमेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तीसरा है लिमोनाइट। लिमोनाइट जलयोजित लोहा है। ये जो लिमोनाइट है यह जलयोजित लोहा है।
इसमें जल का अंश थोड़ा पाया जाता है और इसका रंग पीला होता है। इसके अयस्क का रंग क्या होता है? पीला। तो लिमोनाइट को हम पीला लोहा, मैग्नेटाइट का रंग काला है इसको काला लोहा, और हेमेटाइट का रंग लाल है तो हेमेटाइट को हम लाल लोहा के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दे लिमोनाइट जो अयस्क है, लिमोनाइट लोहा के अयस्क जो है वह परतदार, परतदार चट्टान में देखने को मिलता है। और लिमोनाइट जो लोहा है परतदार चट्टान में मिलता है और इसमें कार्बन की मात्रा होती है। लिमोनाइट में क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए इसको हम लोहे का कार्बोनेट कहते हैं। मतलब इसमें कार्बन की मात्रा हो गई, इसको हम लोहे का क्या कहेंगे? कार्बोनेट कहेंगे। लोहा का जो चौथा अयस्क है, चौथे अयस्क का नाम है सीडेराइट या साइडेराइट। इसका रंग क्या होता है? भूरा होता है। इसका रंग क्या होता है? भूरा होता है। सीडेराइट का रंग भूरा होता है, इसलिए इसको हम भूरा लोहा के नाम से जानते हैं। और थोड़ा सा इसमें लोहा का अंश कम मिलता है, यहां पर 50% आसपास यहां होता है और यहां 48% के आसपास लोहा का अंश है, जिसकी खुदाई थोड़ा महंगा पड़ जाता है क्योंकि इसके अयस्क में धातु की प्राप्ति कम होती है। अब सवाल है लोहा के विश्व वितरण की। तो विश्व में जितना लोहा का उत्पादन होता है, मतलब विश्व में जितना लोहा का उत्पादन होता है, तो विश्व का 3% लोहा भारत में उत्पादित होता है। विश्व में जितने भी लोहा का उत्पादन होता है उसका 3% जो लोहा होता है, लोहा है, उसका उत्पादन हमारे देश भारत में होता है। अब है लोहा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें, भारत में लोहा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात कर लें तो सबसे पहले करते हैं भारत की बात, तो गोवा की। तो भारत में लोहा के प्रमुख उत्पादक राज्य की बात कर लें तो सबसे पहले हम आएंगे गोवा। गोवा में पिरनादोल पाल ओलरा, पिरनादोल पाल ओलरा, पिरनादोल पाल ओलरा, ये जो खदानें हैं लोहा के लिए प्रसिद्ध हैं। और गोवा के जितना भी लौह अयस्क है उन सभी अधिकांश लौह अयस्क का निर्यात मार्मागाव या मार्मागुआ बंदरगाह से जापान को कर दिया जाता है। गोवा के बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। गोवा के बाद जो दूसरा राज्य आएगा वह होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी लोहा का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में डल्ली राजहरा, छत्तीसगढ़ का जो दुर्ग जिला है, दुर्ग जिला में डल्ली राजहरा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में डल्ली राजहरा की जो पहाड़ी है या डल्ली राजहरा का जो खान है वह लोहा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद बस्तर जिला में, छत्तीसगढ़ का ही जिला है बस्तर, बस्तर जिला में बैलाडीला, बस्तर जिला में कौन होता है? बैलाडीला लोहा का खान है। और आपको बता दें बैलाडीला का जो लोहा का खान है यह एशिया महादेश का सबसे बड़ा, बैलाडीला लोहा का खान जो छत्तीसगढ़ में है यह एशिया का सबसे बड़ा लोहा का खान है। उसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ का अधिकांश जो लोहा अयस्क है वह मध्य प्रदेश के, सॉरी छत्तीसगढ़ के भिलाई जो लोह अयस्क कारखाना है, तो भिलाई लोह अयस्क कारखाना में इसकी प्राप्ति हो जाती है। हम तीसरा बात करते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब एमपी, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भी लोहा का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है और मध्य प्रदेश में धौली की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में धौली, धौली की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए क्या है? भारत में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के बाद आता है कर्नाटक,
मध्य प्रदेश के बाद कहां ले ले हम कर्नाटक की बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। लगभग 25% भारत के कुल लौह अयस्क का 25% लौह अयस्क कर्नाटक राज्य में। और आपको बता दें कर्नाटक में बेलारी और चिकमंगलूर जिला, कर्नाटक में बेलारी और चिकमंगलूर, बेलारी और चिकमंगलूर जिला लोहा के उत्पादन के लिए भारत प्रसिद्ध है। आपको बता दें कर्नाटक में केमनगुड्डी, कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी, चिकमंगलूर जिला में कहता है केमनगुड्डी। चिकमंगलूर जिला की बात करें तो केमनगुड्डी, बाबा बुदन की पहाड़ी, केमनगुड्डी बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उस पर कर्नाटक के बेलारी जिला में हासपेट क्षेत्र, बेलारी जिला में जो है वह हासपेट क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद झारखंड की बात आते हैं तो भारत का 11% लौह अयस्क झारखंड में मिलता है। और झारखंड का पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिला, झारखंड का पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिला लोहा के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिला में या झारखंड में लोहा की जो प्रमुख खदानें हैं उसका नाम है पनसीरा बुरू, किरू बुरू, बूढ़ा बुरू, जायदा और नोतू बुरू। मतलब ये झारखंड के लोहा के प्रमुख उत्पादक राज्य है। और झारखंड में एशिया महादेश की सबसे बड़ी लौह अयस्क कंपनी है जिसका नाम है बोकारो स्टील कंपनी, जिसका उत्पादन जिसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। इसके अलावा ओडिशा के सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर, ओडिशा भी लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है। और ओडिशा का सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर जो जिला है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला में बरसाना, ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला में बरसाना, कूराझार की पहाड़ी लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा के मयूरभंज जिला में गुड़ महिशानी, सुलेपत और बादाम की पहाड़ी, मतलब मयूरभंज जिला में गुड़ महिशानी और बादाम की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद ओडिशा के क्योंझर जिला में बांसपानी, ठकुरानी और कटक जिला में तमका की पहाड़ी जो ओडिशा में ही पड़ता है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर और रत्नागिरी की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हमने पहले ही कह दिया कि भारत विश्व का 3% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। भारत विश्व के कई देशों को लौह अयस्क निर्यात भी करता है। जैसे भारत जिन देशों को लोहा के अयस्क निर्यात करते हैं उनका नाम है जापान, चेक गणराज्य, जर्मनी, रोमानिया, इटली, सर्बिया, पोलैंड, बेल्जियम, हंगरी। और भारत में जिन जिन बंदरगाह से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है उनका नाम है पारादीप, चेन्नई, मारमागाव, मंगलोर, विशाखापट्टनम। मतलब पूर्वी किनारे पर चेन्नई और पारादीप और पश्चिमी किनारे पर मंगलोर, पूर्वी किनारे पर पारादीप, चेन्नई और विशाखापट्टनम और पश्चिमी किनारे पर मारमागाव और मंगलोर, दो ऐसे बंदरगाह है। मतलब पूर्वी किनारे का 3 और पश्चिमी किनारे का 2 ऐसा बंदरगाह है। पूर्वी में पहले ही बोल दिया हूँ पारादीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई, और पश्चिमी में मारमागाव और मंगलोर कर्नाटक का, ये लौह अयस्क के निर्यात किया जाता है। मन में प्रश्न होगा तो भारत में लौह अयस्क का निर्यात करने वाली संस्थान का क्या नाम है, तो आपको बता दें भारत में लौह अयस्क का निर्यात राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, भारत में लौह अयस्क का निर्यात करने वाली जो संस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
1958 में इसकी स्थापना की गई थी, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, ये कच्चा लोहा का निर्यात करने वाली प्रमुख संस्था है। तो ये रहा लौह अयस्क। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे मैगनीज के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? तो मैगनीज के बारे में। तो आइए, यदि आपको स्क्रीन फोटो इसका लेना है तो ले सकते हैं, फिर हम इसको मिटाकर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो लौह अयस्क के बाद हम आते हैं मैगनीज पर। हम लौह अयस्क के बाद दूसरे खनिज की बात कर ले तो सबसे पहले आते हैं मैगनीज। मैगनीज पर चर्चा कर ले, फिर कल दूसरे तांबा या अन्य खनिजों पर चर्चा होगी। तो पहले जान ले मैगनीज। मैगनीज क्या है? तो मैगनीज एक धात्विक खनिज है। मैगनीज लोहायुक्त और धात्विक खनिज है, और मैगनीज काले रंग के प्राकृतिक भस्म के रूप में पाया जाता है। मैगनीज धात्विक खनिज है, लोहायुक्त खनिज है, और यह काले रंग के भस्म के रूप में, मतलब ऑक्सीडीज के रूप में पाया जाता है। और भारत में मैगनीज धारवार युग की, मैगनीज की प्राप्ति धारवार युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, और चूर्ण के रूप में। आचूर्ण का रंग क्या होता है? काला। तो धारवार युग की अवसादी चट्टानों में काले चूर्ण के रूप में मैगनीज पाया जाता है। मैगनीज पहले बोला हूं धात्विक खनिज है, लोहायुक्त खनिज है, और मैगनीज एक बहु उपयोगी खनिज है। मैगनीज क्या है? एक बहु उपयोगी खनिज है, क्योंकि लोहा को इस्पात बनाने में मैगनीज का प्रयोग किया जाता है। लोहा को इस्पात बनाने में, मतलब स्टेनलेस स्टील के निर्माण में मैगनीज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कांच का रंग उड़ाने में, बार्निश बनाने में, रोगन बनाने में, बिजली के बैटरी बनाने में, ऑक्सीजन गैस के निर्माण में, क्लोरीन के निर्माण में, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। एक बार और सुन लेंगे गौर से कि मैगनीज का उपयोग किन किन कामों में होता है। तो शीशा का रंग उड़ाने में, बार्निश को सुखाने में, बिजली के बैटरी बनाने में, ऑक्सीजन गैस के निर्माण में, क्लोरीन गैस के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में मैगनीज का प्रयोग किया जाता है। मैगनीज के प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो पहले विश्व में बात कर ले तो विश्व का, भारत विश्व का पांचवा, भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा मैगनीज का उत्पादक देश है। विश्व में पांचवा बड़ा मैगनीज का उत्पादक देश इंडिया है, और नंबर वन में कौन होगा? चीन। विश्व का सबसे बड़ा मैगनीज उत्पादक देश चीन है, लेकिन भारत का स्थान कैमा है? पांचवा है। और भारत के राज्यों की बात करें तो भारत के राज्यों में जो सबसे नंबर वन है उसका नाम है ओडिशा। भारत के राज्यों में ओडिशा सबसे बड़ा मैगनीज उत्पादक राज्य है, और ओडिशा का सुंदरगढ़ कालाहांडी, ओडिशा का सुंदरगढ़ कालाहांडी, सुंदरगढ़ कालाहानी कोरापुट कोरापुट और केओंझर, ये जो जिला है मैगनीज के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दूसरा नंबर में आता है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा जो जिला है वो हम मैगनीज के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी, रत्नागिरी की पहाड़ी करें कहें, यह रत्नागिरी जो जिला है यह मैगनीज के लिए क्या प्रसिद्ध है।
उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो बेलाड़ी, चार में हम कर्नाटक की बात करें तो बेलाड़ी, बेलगांव, शिवामोगा, ये जो जिला है कर्नाटक का, यह मैगनीज के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और झारखंड का नोआमंडी, जायदा और चाईबासा, गुजरात में बड़ोदरा और पंचमहल जिला मैगनीज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। भारत में अपने कुल मैगनीज का आधा से ज्यादा निर्यात कर देता है। और भारत किन किन देशों को मैगनीज निर्यात करता है, तो भारत फ्रांस, चेक गणराज्य, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका को मैगनीज निर्यात करता है, ब्रिटेन को भी करता है। और भारत जिन जिन बंदरगाहों से मैगनीज का निर्यात करता है उनका नाम है विशाखापट्टनम, कोलकाता और मुंबई। विशाखापट्टनम, कोलकाता और मुंबई ऐसे बंदरगाह है जहां से मैगनीज का निर्यात किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कल हम लोग तांबा और बॉक्साइट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।